शहर हैदराबाद में पार्लियामानी इंतखाबात में जहां सियासी लीडरों की तैयारियां जोरों शोर पर है, वहीं पुलिस ने भी कमर कस के मैदान में उतर चुकी है ताकि तेलंगाना की सरजमीन पर बिलखसूस शहर हैदराबाद में पुरअमन तरीके से पार्लियामानी इंतखाबात को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके, जिसकी एक झलक आप किशनबाग बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में देख सकते हैं, जहां एडिशनल डीसीपी जहांगीर की निगरानी में कॉर्डन सर्च किया गया। तो आइए देखते हैं इस कॉर्डन सर्च की कुछ झलकियां। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप रहे पल पल बाखबर। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज अपना बहादुरपुरा पीएस एरिया में इलेक्शन रिलेटेड में भरोसा बढ़ाने के लिए और पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए आने वाले चुनाव में बेझिझक वोट डालने के लिए हम आपका साथ है बोल के पब्लिक में भरोसा बढ़ाने के लिए हमारे सीपी साहब पोतकोटा श्रीनिवास रेड्डी साहब और हमारे डीसीपी नेहा मेहरा मैडम के इंस्ट्रक्शंस पर यहाँ पर कार्डन सर्च करे। यहाँ पर जो है सो तकरीबन हमारे पुलिस फोर्स जो है सो एक 200 सिविल वाले सिविल फोर्स और 100 सीआरपीएफ वाले भी आए। ये सब एरिया छान करे, इसमें नंबर प्लेट नहीं है सो, डॉक्यूमेंट्स नहीं है सो, एक 46 टू व्हीलर्स मोटरसाइकिल्स और एक फोर व्हीलर कस्टडी में लिए और एक दो गुटखा शॉप पान शॉपों में गुटखा भी मिला। इस पे कानवाई का कानून कार्रवाई कर जाता और हम आप लोगों का माध्यम से हम सबको एक 6 राउडी शीटर्स को भी चेक करें और आपके माध्यम से सबको भरोसा दिलाना चाह रहे आने वाले चुनाव में आप लोग जिसको भी मतदान देना चाहते जिसको भी वोट करना चाहते आप लोग वोट कीजिए, लेकिन घरों में मत सोइए, वोट अपना हक है, वोट के लिए बाहर निकलिए। हम लोग आए और ये रिसेंट पास्ट में यहाँ पर एक 4 मर्डर्स हुए एरिया में, हम यहाँ के आवाम से गुजारिश कर रहे हैं आपके बच्चे किधर फिर रहे, रातों का टाइम बाहर नहीं निकलना, जरा गौर करिए वो लोगों पे, गौर से देखिए वो लोगों का दोषी क्या है, क्या कर रहे हैं, किधर फिर रहे हैं, नशा कर रहे हैं या नहीं तो गलत संगत से किधर किधर फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आधी रात तक, ये कल का नस्ल जो है खराब होता। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, अदबन गुजारिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों के बच्चों पर नजर रखिए, आप लोग ये आने वाले पीढ़ी है, आने वाले आपके आपके बच्चे आपके नाम रोशन करने वाले, आप लोग नहीं देखे तो कोई भी नहीं देखेंगे। हम लोग जुर्म करने के बाद आते फिर भी जब जब आके हम लोग पकड़ते, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है जो भी नौकरी करते जो भी रोज रोटी के लिए काम करते वो लोगों से भी गुजारिश है काम करो, आप लोगों के घरों में रहो और आने वाले 13 तारीख के दिन सब भी घरों में आना, धूप है बोल के बाहर नहीं निकलते बोल के नहीं, हर आदमी भी वोट डालना, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, इंशाल्लाह हम लोग हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को भरोसा दे रहे हैं, आपको कोई सताने वाला नहीं रहता, कोई प्रेजर करने वाला नहीं रहता आप लोगों के साथ, हैदराबाद सिटी पुलिस आप लोगों का साथ है, आप लोग वोट कीजिए और डेमोक्रेसी को वो करिए, डेमोक्रेसी का बड़ा फेस्टिवल है वो। थैंक यू सर। कौन से एरिया में कॉर्डन सर्च हुआ सर? असद बाबा नगर, ये हसन नगर, ये एरिया पूरा करे, उसमें जो व्हीकल्स करे वो करे। जितने व्हीकल्स पकड़े गए सर जिसके इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, नंबर प्लेट इनकम्प्लीट है, टुडे हुए, तो उन लोग के ऊपर कुछ चालानात होंगे जो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के? मैं क्या बोला भाई, कुछ नहीं है तो छोड़ेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स है तो छोड़ेंगे, कानून दर पे वो लोगों का कुछ भी गलती है कार्रवाई किया जाता, वो कैसा करते क्या करते मैं आप लोगों को नहीं बताता, डॉक्यूमेंट्स है तो छोड़ देते, अरे उन्हें कुछ करेज नहीं करे तो कई को लाते हम, आपका सवाल ही गलत है भाई। इलेक्शन के बाद नहीं, इलेक्शन के बाद में इंशाल्लाह, इलेक्शन के बाद में भी ये लोगों को जो मर्डर हो रहे हैं, एक मर्डर जो है सो आप लोग गलत समझ रहे हैं, एक मर्डर अपन मीडिया वाले पुलिस वाले क्या करते हम लोग केस कर लेते, अक्यूज्ड को पकड़ते रिमांड कर देते, मीडिया वाले क्या करते मर्डर हुआ यहाँ पर अभी खबर मिला मर्डर बोलते, दूसरा दिन फलाना आदमी का मर्डर बोलते, तीसरा दिन फलाने को अरेस्ट करे, उसके बाद में अपन भूल जाते, लेकिन एक मर्डर जो है सो एक शख्स मर गया तो वो ये घर ही नहीं वो घर बर्बाद होता और जो भी जुर्म करते जितने भी उसमें खातिल रहते वो लोगों के घर भी बर्बाद होते, ये समझो कि एक घर नहीं होता, वो ये अपना ही है, अपने लोग है, अपना सोसाइटी है, अपना सोसाइटी में अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी है,
या गांजा मार रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं या दारू पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप लोगों का हाथ में डायल 100 एक वेपन है, डायल 100 को कीजिए, डायल 100 को करके बताइए। ये असल अपन एक जिम्मेदारी नागरिक के मुताबिक अपना जिम्मेदारी है, सब पुलिस करना बोलता नहीं होता, आप लोगों में यूनिफॉर्म नहीं है सब पुलिस है, आप लोगों से गुजारिश करा मैं वही बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों का बच्चे ही नहीं, कोई भी फिरने दो, कोई भी गलत संगत से करने दो, आपको लोकल SHO को बोलो, लोकल ACP को बोलो, मेरे को बोलो, किसी को भी बोल सकते, आप लोगों नेट पर सर्व करे तो हमारा नंबर मिलते। ये एक अच्छा सोसाइटी, क्राइम फ्री सोसाइटी करने के लिए आप लोगों का ताउन चाह रहा हूं, शुक्रिया।